पर मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज का मुद्दा कि बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह की ओर से जींद रैली में किए गए बड़े ऐलान का, क्योंकि उनके इस ऐलान के बाद, उनके इस बयान के बाद हरियाणा में सियासत तेज हो गई है। वीरेंद्र सिंह के गठबंधन रहने की सूरत में बीजेपी छोड़ने के ऐलान के बाद लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला तेज हो गया है। कांग्रेस नेताओं की ओर से पलटवार किया गया है, साथ ही बीजेपी की ओर से बड़ा हमला किया गया है। ऐसे में वीरेंद्र सिंह के ऐलान के मायनों को लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या वाकई वीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ देंगे, क्या होगा उनका अगला कदम, चर्चा होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह के बयान पर हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। जी हां, पहले से ही जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर हमलावर रहे बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह ने गठबंधन रहने की सूरत में बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसे में बीजेपी से लेकर कांग्रेस और जेजेपी में बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वीरेंद्र सिंह और गठबंधन पर चुटकी ली। इनका कोई गठबंधन को नीतियों पर आधार नहीं है, ये तो स्वार्थ पे आधारित है। एक कह रहा था चतर पार, एक कह रहा था यमुना पार, और स्वार्थ में दोनों बन गए यार। और प्रदेश का जो भी तो हालत, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति इसमें नंबर एक था, कानून व्यवस्था में नंबर एक था, नौकरी देने में नंबर एक था, आज वो प्रदेश कहाँ है, बेरोजगारी में नंबर एक है, महंगाई में नंबर एक है, और सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश जो है वो हरियाणा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने वीरेंद्र सिंह पर वार किया और कहा कि वीरेंद्र सिंह अपने लालच के चलते बीजेपी में गए, लेकिन बीजेपी में भी उनका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। और मैं तो समझता हूं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो आज कह रहे हैं, जिस समय गठबंधन हुआ था और बीजेपी की सरकार को बनाने के लिए, उसमें भी वीरेंद्र सिंह को आवाज उठानी चाहिए। अगर वो आना चाहते हैं तो वो तो बड़े नेता हैं, उनके सीधे संपर्क रहे हैं, वो वहाँ बात करेंगे। अभी इसके बारे में हम कोई अपने लेवल पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। पार्टी सोचेगी कि किस तरह से उनका पार्टी में इतना पोजीशन होते हुए भी जिस तरह से पार्टी छोड़ के गए, अब ये पार्टी ने सोच रहा है कि उनको वापस लेना कि नहीं। कांग्रेस ने तो उनको बहुत भारी सम्मान दिया, वो शीर्ष नेतृत्व के बहुत ही ज्यादा निकट थे, नजदीक थे, हर मामले में उनका था, लेकिन एक किस बात को लेकर के, किस लालच में, किस उद्देश्य को लेकर के वो वहाँ पर गए, वो उद्देश्य पूर्ति उनके वहाँ भी नहीं हुई। अब उनको दोबारा कांग्रेस याद आ रही है, अब ये कांग्रेस नेतृत्व में सोचना है कि उन पर भरोसा किया जाए या नहीं। उधर वीरेंद्र सिंह के बयान को लेकर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने तीखा हमला बोला। वहीं करप्शन के आरोपों को लेकर कहा, या तो एक हफ्ते में सबूत दें या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ऐसे में वीरेंद्र सिंह ने भी दिग्विजय चौटाला और जेजेपी पर करारा पलटवार किया। आरोप लगे दुष्यंत चौटाला जी पर भी विरोधी बहुत आरोप लगा रहे हैं, मगर हम खामोश थे हफ्ते के अंदर अंदर। अगर इनमें से कोई भी नेता किसी भी तरह का प्रमाण मीडिया और जनता के सामने नहीं रख पाएगा तो हम सब पार्टी के लोग हमारे नेता भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी से और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से इस बात के लिए कहेंगे, अपील करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलना चाहिए। वो कोर्ट में जाएं आराम से और दरवाजा खटखटाते रहें, और अगर वो ये कहते हैं कि सबूत पेश करें तो फिर मेरे को कहें कि आप हमारे, आप करो हमारे खिलाफ कार्रवाई। ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इससे बड़ा, सबसे बड़ा तो आरोप मैं ये लगाता हूँ कि झूठ बोलने का प्रजातंत्र में, अगर इसी तरह की पार्टियाँ और इसी तरह के लोग आते रहे कि बीजेपी को गालियाँ दें, बीजेपी को जमुना पार फेंकने की बात करें, और फिर उसी बीजेपी की
ताकत को छीन के 10 MLA बना के उन्हीं की गोद में जाके बैठ जाएं, इससे बड़ा और इल्जाम। जाहिर है वीरेंद्र सिंह और JJP पहले भी आमने सामने रहे हैं, लिहाजा अब रैली में कोई बड़ा ऐलान किए जाने को लेकर भी चर्चाएं थी, लेकिन वीरेंद्र सिंह ने BJP के सामने गठबंधन या खुद वीरेंद्र सिंह में से एक चुनने की बात कह दी है। वीरेंद्र सिंह के बयान से कांग्रेस के कुनबे में भी हलचल है, तो वीरेंद्र सिंह और JJP की तल्खियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। बहरहाल देखना ये है क्या वाकई आगामी दिनों में वीरेंद्र सिंह कोई बड़ा कदम उठाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान प्रवक्ता BJP, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, भाग सिंह दमदमा प्रवक्ता JJP, रजत पंजेटा प्रवक्ता INLO और डॉक्टर पंकज बेनीवाल प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत BJP से होगी। चौहान साहब, विकल्प दो दे दिए हैं आप लोगों को वीरेंद्र सिंह ने कि या तो आप लोग चुनावी गठबंधन के लिए JJP को चुने या फिर वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार को चुन लें। चौहान साहब, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको? आपको ज्योति जी, वीरेंद्र सिंह की ओर से जो कहा गया जी, मुझे तो मिल रही है, आपको ठीक है? कैसा मिल रहा है? आपकी आवाज मिल रही है सर। मैं सवाल आपसे पूछ लूं एक बार फिर से, अगर गठबंधन रहा तो BJP छोड़ देंगे वीरेंद्र सिंह, तो कल ये बयान दिया गया था, पार्टी ने कोई संज्ञान इस पर लिया, कोई फैसला इस पर किया गया कि JJP या फिर वीरेंद्र सिंह कौन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच 2019 में जो गठजोड़ बना था, गठबंधन बना था, वो एक पोस्ट पोल अलायंस था। हम चुनाव से पहले JJPA के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वो हमारे खिलाफ मैदान में थे, हमने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़कर जनता से जनादेश मांगा। प्रदेश की जनता ने, हरियाणा के मतदाता ने जिस तरह का मैंडेट दिया, उस मैंडेट की आवश्यकता को देखते हुए प्रदेश को एक स्थिर, स्थायी, अच्छी सरकार देने के की जो संभावनाएं उस मैंडेट के हिसाब से बनती थी, उन संभावनाओं में सर्वोत्तम बेस्ट विकल्प यही था कि JJP और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बनाए। दोनों पार्टियों का नेतृत्व उसने इस स्थिति का की समीक्षा की, इसका मूल्यांकन किया और हमारा गठबंधन बना। जब गठबंधन बना ज्योति जी, उस घड़ी से पहले हमारा गठबंधन नहीं था, हम अलग अलग थे। जब गठबंधन बना तब ये तय करके गठबंधन बना कि ये गठबंधन सरकार चलाने के लिए है, 5 वर्ष के लिए है, ऐसी कोई बात कभी जननायक जनता पार्टी के किसी नेता ने भी नहीं कही, भारतीय जनता पार्टी के भी किसी नेता ने नहीं कही कि ये एक ऐसा गठबंधन है जो अनंत काल तक, अनिश्चित काल तक रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। गठबंधन 5 साल के लिए सरकार चलाने के लिए था, आज भी है, और ये सरकार अपना कार्यकाल गठबंधन में पूरा करे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का शिखर नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का राज्य का नेतृत्व, वो प्रतिबद्धता से काम कर रहा है। रही बात अगले चुनाव में हम अलग लड़ें, इकट्ठे लड़ें, इस सवाल की, तो इस सवाल पर निर्णय करने का जब मौका आएगा, इस पर मंथन करने का जब समय आएगा, उस समय भारतीय जनता पार्टी आंतरिक मंथन, जो जो हमारे तरीके हैं संगठनात्मक, सब प्रकार की फीडबैक लेते हुए हर स्तर से आंतरिक मंथन करेगी। आंतरिक मंथन के बाद उनकी पार्टी के यानी JJP की लीडरशिप के साथ भी किसी स्टेज पर बैठेंगे और दोनों दलों को ये लगा कि हमें एक साथ लड़ना चाहिए, सहमति बनी तो हम एक साथ लड़ेंगे, लेकिन इसके विपरीत भी निर्णय हो सकता है, होने की संभावना बनी रहेगी, इस बात से किसी ने आज तक इनकार नहीं किया है। तो जब इस विषय पर निर्णय लेने का मौका आएगा, तब निश्चित तौर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी वो राय जो उन्होंने कल एक बिना झंडे वाली, बिना कमल के निशान वाली रैली के मंच से की, उस राय पर भी मुझे लगता है पार्टी का नेतृत्व निश्चित तौर पर विचार करेगा। उनकी राय एकदम नकार दी जाएगी, इस तरह की कोई बात नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी में निर्णय प्रजातांत्रिक ढंग से होते हैं,
भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा पर आधारित पार्टी है और हमारे लिए व्यक्ति से बड़ी पार्टी और पार्टी से भी बड़ा देश है। हम इस सिद्धांत को व्यवहार में जीते हैं तो सही समय पर इस बारे में निर्णय ले लिया जाएगा। आज या कल जब रैली थी ये मौका या मुकाम नहीं था जब हमें इस बारे में कोई अंतिम निर्णय लेना था। बजरंग जी एक मिनट के लिए आप इंतजार कीजिएगा, दमदमा जी से मैं एक सवाल कर लूं। बहुत परेशानी है जेजेपी से, बीरेंद्र सिंह को, उनके परिवार को, ये कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ एक दिन भी गठबंधन अगर रहता के तो आप लोग केवल कोरा नुकसान कर रहे हैं बीजेपी को, अगर आप लोग साथ रहे बीजेपी के तो बीजेपी छोड़ देंगे बीरेंद्र सिंह। देखिए ज्योति जी, ये जितना भी विषय था वीरेंद्र सिंह से संबंधित विषय था और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित विषय था। मेरे भाई अभी चौहान साहब एक बात कह रहे थे बड़े जोर देके कि बिना डंडे के, बिना झंडे के, बिना भारतीय जनता पार्टी के निशान से, क्या वीरेंद्र सिंह इतना होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नहीं रहेंगे? क्या वो सांसद एमपी बने हैं जो विजेंद्र सिंह क्या भारतीय जनता पार्टी के नहीं रहते? यदि वीरेंद्र चौहान कहीं पर भी प्रदेश में बैठकर कोई बात कहते हैं मेरे भाई प्रवक्ता साथी, चाहे कमल का निशान पीछे ना हो, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कही जाएगी? जिस प्रकार से वीरेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों को 2000 रुपए की खैरात नहीं चाहिए, किसानों की सुनने वाला कोई नहीं, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं, युवा बेरोजगार है और पलायन करने को मजबूर है, इतने संगीन आरोप माननीय मोदी जी की नीतियों के ऊपर जो किसानों के ऊपर उन्होंने बनाई, माननीय खट्टर सरकार, माननीय दुष्यंत चौटाला जी जो गठबंधन की सरकार है उसके ऊपर एकदम क्लियर क्लियर आरोप लगाया, और कांग्रेस का प्यार झलका कि मेरा कांग्रेस में सबसे ज्यादा सम्मान रहा, मैं बहुत खुलकर कांग्रेस में काम कर पाया और मैं सोनिया गांधी जी से मिलकर पार्टी छोड़ी, और आज फिर कहा कि मैं खड़गे जी से, सोनिया जी से, राहुल जी से अगले कुछ दिनों में मुलाकात भी कर सकता हूं। फैसला तो इस पे भाजपा ने लेना है कि किस प्रकार संगठन में रहकर, किस प्रकार संगठन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ बातें कही गई वीरेंद्र सिंह द्वारा, वो सिर्फ एक उचाना सीट के लिए परेशान है। प्रदेश में जनाधार है नहीं है वो सब जानते हैं प्रदेश के नेता, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने आज भी बहुत बातें की और आदरणीय दिग्विजय चौटाला जी ने उनका पूरी तरह से जवाब दिया कि इस चीज पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो पूरी तरह से हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन सबसे पहली कार्रवाई जो वीरेंद्र सिंह के ऊपर बनती है वो भारतीय जनता पार्टी को किसी ना किसी तरह से, यदि वीरेंद्र जी इस बात को सही ठहराते हैं कि उन्होंने जो आरोप लगाए उन पर भी विचार किया जाएगा, फिर तो आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर भी और आदरणीय जो हरियाणा में सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर जी और माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की गठबंधन की, उस पर भी जो आरोप लगाते हैं, इसका मत भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रवक्ता साथी बैठे हैं ये उस बात से सहमत नजर आते हैं। पार्टी कोरम के अंदर कोई बात रखते, पार्टी संगठन के अंदर बात रखते, शीर्ष नेतृत्व पर बात रखते तो यह बात समझ में आती है कि हर चीज पे विचार किया जाएगा। एक पब्लिक के अंदर उन्होंने एक और मैसेज दिया आज, बड़ी सोचने की बात है और जो उनके साथी हैं उनको भी इस पे विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अलग हो जाऊंगा, विजेंद्र सिंह और प्रेमलता जी अपना फैसला स्वयं करें कि उन्होंने जाना है या नहीं जाना। अरे अपने परिवार को तो लेकर नहीं जा पा रहे हैं, शायद परिवार में कोई बात हुई हो जो उन्हें बयान देना पड़ रहा है। और जो अभी मेरे भाई चौहान साहब ने एक बात कही कि प्री पोस्ट पोल अलाइंस था, मैं मानता हूं कि हमारा पोस्ट पोल अलाइंस था, लेकिन चौहान साहब पिछले दिनों का आपको भी ध्यान में आना चाहिए कि हम एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए की बैठक में सह सम्मान एक लिस्ट जारी करके और सह सम्मान बुलाया गया था। तो एनडीए का मतलब और इंडिया का मतलब, मैं नहीं समझता कि आप बुद्धिजीवी वर्ग से हो, आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हो। शीर्ष नेतृत्व जिसे कहा जाता है उन्होंने एनडीए में शामिल करते ही संकेत दे दिए थे प्रदेश को, लेकिन अगर आज आप लोग इस चीज को नहीं मानते हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो शीर्ष नेतृत्व है जो आपको पूरी तरह क्लियर बताएगा, ना तो कोई सीट बंटवारे की बात हुई आज, ना किसी चुनाव विषय पर बात हुई है। जब एनडीए के पार्ट बने हैं, सह सम्मान एनडीए की बैठक के अंदर बुलाया गया है, तो आपको भी और प्रदेश नेतृत्व आपके जो साथी है इनको भी जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके फैसले का सम्मान भी करना चाहिए। आप कहिए खुलकर एनडीए की बैठक में बुलाने पर ये कोई शर्त तो नहीं थी कि ये भी नहीं कि एनडीए के सभी घटक मिलकर ही लड़ेंगे या जेजेपी मिलकर ही लड़ेगी, चुनाव के लिए गठबंधन होना या एनडीए का घटक होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं।
सुनिए सुनिए ज्योति जी, मैं आपकी बात से कहता हूँ, अलग अलग बात कहते हैं। आज एनडीए के घटक हैं, जब चुनाव आएगा उस समय देखा जाएगा जो भी होगा, लेकिन हम आज की बात को दरकिनार करके आने वाली एक साल की बात को हम प्रायोरिटी में रखते हैं, वो कितना सही है। आज हम एनडीए के घटक हैं, कल जो होगा वो फ्यूचर में है, वो आगे भविष्य में क्या है क्या नहीं उसकी बात अलग रहेगी। ठीक है, आप लोग तो राजस्थान के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि मिलकर लड़ा जाए, वो अलग चीजें हैं। ठीक है, आप लोग एनडीए के घटक भी हैं, आज उसमें भी कोई डाउट नहीं, आज सत्ता के साथ ही आप लोग बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन चुनाव को लेकर तो बहुत बहुत क्लियर है। बार बार कहा जाता है कि हाईकमान ये डिसाइड करेगा, दोनों पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो डिसाइड करेंगे मिलकर लड़े नहीं लड़े। ठीक है सर, ठीक है, जब बात आएगी वो जब है। बजरंग दास जी, क्या कांग्रेस से संपर्क में है वीरेंद्र सिंह? आज भी कहा गया कि केवल एक दिन के भीतर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकता हूं मैं। देखिए ज्योति जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत सीनियर नेता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर केंद्रीय मंत्री रहे, उसका बेटा आज भी इसार लोकसभा से सांसद है। वैसे तो चौधरी वीरेंद्र सिंह का और भारतीय जनता पार्टी का निजी मामला है, इसमें हमारा बोलना ठीक नहीं रहता, मगर जो बात पब्लिकली हो जाती है और जिस मुद्दे पे डिबेट होती है तो उस पर पूरी बात खुल के बोलना पड़ता है। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, चौधरी वीरेंद्र सिंह का सीधा कांग्रेस पार्टी के हाईकमान जो है सोनिया गांधी का पूरा परिवार से, राहुल जी से, खड़गे जी से और हमारे जितने भी कांग्रेस के सीनियर नेता है उनसे सीधा संपर्क है, कभी भी मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मिलना तो दूर की बात, टेलीफोन पर भी बात कर सकते हैं। उनका बड़ा भारी सम्मान कांग्रेस में रहा, जबकि वो विधानसभा हारने के बावजूद भी उनको दो दो प्रदेशों का प्रभारी बनाया गया, बहुत बड़ी बात है, मैं छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बड़ा पूरा सम्मान मिला। और वो उन्होंने कहा जींद की रैली के अंदर, जो जींद की रैली कल हुई, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी में था, मेरा बहुत बड़ा सम्मान था और मेरी हर बात मानी जाती थी। थोड़ा सा दुख कहां हुआ जब उन्हें केंद्र में मंत्री बनाने की बात आई और उनको जब पत्र भी मिला वहां बुलाने की बात आई तो वहां किसी कारणवश वो वहां रुक गए, रोका गया, अभी अगली बार देखेंगे। वहां उनको थोड़ी नाराजगी हुई जिसके कारण उन्हें कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। ये तो जो वीरेंद्र सिंह जी का बयान है। बजरंग जी, तो क्या आप लोग पलके बिछा कर इंतजार कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह का? उदयभान तो ये कह रहे थे कि जिस लालच में, जिस लक्ष्य के साथ बीजेपी में गए, वो लालच बीजेपी में भी पूरा नहीं हुआ। अब हाईकमान ये डिसाइड करेगा, अगर वो संपर्क करेंगे तो हाईकमान ये फैसला लेगा कि फिर से उन पर यकीन किया जाना चाहिए या फिर नहीं। ये बिल्कुल सही बात कहा उदयभान जी ने, हमारे प्रदेशाध्यक्ष है। और आपको मैं बता भी दूं, जहां तक मैं पता लगा है उन्होंने पहले भी बात की है। अच्छा, पहले भी बात की है उन्होंने, मगर आज स्थिति कहां है ये देखिए। आज चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पूरी सरकार को करगटे में खड़ा कर दिया, भ्रष्टाचार के खुले आरोप मंच के ऊपर लगाए हैं। और आज जेजेपी की तरफ से बयान भी आया है, या तो हमें प्रूफ दो नहीं तो हम अदालत में जाएंगे। फिर रोका किसने, जब खुला उसने बयान ही दे दिया और पब्लिक में खुला, ये पब्लिक चिल्ला रही है भाई धान घोटाला हुआ, उसकी एसआईटी गठन है 3 साल से, उसकी जांच चल रही है, कोरोना समय में लोग मर रहे थे, रिश्ते अरबों रुपए की रिश्ते हो गई, उसकी जांच घोटाले की हो रही है, आज तक रिजल्ट नहीं है, धान घोटाले की जांच हो रही है, आज तक रिजल्ट नहीं है, बाजरा घोटाला, गेहूं घोटाला। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ये सभी विरोधियों को लेकर दिग्विजय ने कहा कि आप लोग बार बार जो आरोप लगाते हैं अगर एविडेंस नहीं देंगे तो एक हफ्ते में आप लोगों के खिलाफ अदालत वो जाएंगे, मानहानि का केस किया जाएगा। ये केवल ऐसा नहीं कि वीरेंद्र सिंह को लेकर ही कहा गया कि ये अभय पर भी गई, कांग्रेस पर भी गई कहना उनका। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बजरंग जी आपका फोन साइलेंट नहीं है, एक तो आप अपना फोन साइलेंट कर ले सर। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात पूरी हुई सर। चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं काउंटर पे, बहुत संक्षिप्त में। मेरी ना पूरी प्लीज आधा आधा प्लीज प्लीज आप डिटेल मत कीजिएगा, विषय पर बात कीजिएगा। आपने कहा आप नहीं, मैं पूरी उसकी बात ही कर रहा हूँ।
आपने भी जो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अभी रुकिए जान साहब अभी रुकिए जान साहब से आरोप है कोई उसकी उनके उनकी आरोप की अंदर पूरी सच्चाई है। अगर वो एसआईटी गठन ऑलरेडी हो चुकी है, एफआईआर दर्ज है, पुलिस कस्टडी में, शराब की आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों कार्रवाई रुकी हुई है, कहां एसआईटी बैठी है? अगर सरकार ईमानदार है, चलिए मैं घोटालों पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठी हूँ, किसने घोटाला, अकेले घोटालों पर चर्चा नहीं हो पाएगी। अभी बयान वीरेंद्र सिंह ने दिया, जब बयान वीरेंद्र सिंह दिया ज्योति जी, वीरेंद्र सिंह का बयान है और आज जयदीप का बयान है, हम केस करेंगे, बयान की बात ही कर रहा हूँ मैं, ना और किसी के बयान की बात नहीं, चौधरी वीरेंद्र सिंह की बयान की बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार उन्हें घोटाले के आरोप लगाए। ठीक है, तो सबूत मांग रही है जयदीप जी, जान साहब जल्दी आप अपनी बात काउंटर में कहिए, उसके बाद में इनेलो को चर्चा में जोड़ता हूँ। बजरंग दास जी, रोजाना की डिबेट में ठीक है आप लोग किसान हितैषी बनते हैं, लेकिन रोजाना डिबेट में एक ही बात नहीं कहते सर। चौहान साहब बोले। ज्योति जी चौधरी वीरेंद्र सिंह निर्णय क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, वे बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आज की तारीख में, तो कल भी भारतीय जनता पार्टी में थे, कल भी भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, मुझे विश्वास है। परंतु चौधरी वीरेंद्र सिंह की कल की रैली में जो बात सारे हरियाणा ने सुनी वो ये भी थी, पंजाब से आए हुए बराड़ साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को CWC से इसलिए निकाल बाहर किया मक्खी की तरह कि वे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए कह रहे थे। इसी विषय पे बराड़ साहब ने CWC छोड़ी। जिस कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का आग्रह करने पर चौधरी वीरेंद्र सिंह को बाहर किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मंत्री बनने का न्योता देकर फिर जलील किया, वो कांग्रेस पार्टी अच्छी है उनके लिए या वो भारतीय जनता पार्टी अच्छी है जिसने मंत्री भी बनाया, जिसने बेटे को सांसद बनाया, जिसने श्रीमती जी को विधायक बनाया, और जिस भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट यानी किसानों को लागत से 1.5 गुना मूल्य देना ये लागू करके दिखाया। वास्तव में किसानों से जुड़े, गांव से जुड़े मसले चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत समय से उठाते रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि देश की राजनीतिक वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में किसानों से जुड़े ऐसे सवाल जिनके उत्तर अभी तलाशे जाने हैं, उनको उनके उत्तर देने के लिए दो ही रास्ते हैं आज की तारीख में। एक, कांग्रेस की अध्यक्षता, कांग्रेस की अगुवाई वाला घमंडिया अलायंस एनडी गठबंधन, या फिर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला NDA। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला NDA किसानों के हित में प्रत्यक्ष व्यावहारिक निर्णय लेने वाला, प्रैक्टिकली काम करके दिखाने वाला गठजोड़ है, और आगे भी और अच्छे काम अगर किसान के लिए कोई करेगा तो यही गठजोड़ करेगा। आज उसने सम्मान निधि दी है तो उसको बढ़ाएगा भी यही, कांग्रेस ने तो दी भी नहीं थी, कांग्रेस ने तो स्वामीनाथन लागू भी नहीं किया था। तो बजरंग जी और कांग्रेस के नेतृत्व को ज्यादा उनकी बाछें अगर खिल रही हैं तो मुझे लगता नहीं के उनकी खुशी ज्यादा समय रहेगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह अगर वास्तव में किसानों के हित में खड़े रहना चाहते हैं तो उनके पास भारतीय जनता पार्टी और NDA से बेहतर विकल्प पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। चलिए मैं अभी इनेलो को चर्चा में जोड़ती हूँ सर, भ्रष्टाचार वो दूसरे आरोप, ठीक है अगले उत्तर में इस पर बात कर लेंगे। पंजीता जी, आप लोगों की रैली में भी आए थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, और वो JJP पर बार बार आरोप लगाते हैं, कमोबेश वही आरोप जो आप लोग भी लगाते हैं कि करप्शन किया या जनता को ठगा के BJP के खिलाफ वोट मांगी, BJP के साथ ही गठबंधन कर लिया। लेकिन अब जो कहा गया कि अगर गठबंधन रहा तो BJP छोड़ देंगे, तो इनेलो कैसे देखती है, क्या ये वाकई उन्हें BJP की चिंता के, हरियाणा की चिंता के, या फिर ये उचाना को लेकर, हिसार को लेकर टीस है उनकी? देखिए ज्योति जी, इस बात का उत्तर देने से पहले आपको मैं थोड़ा एक हाल ही में एक और बयान आया था विप्लव देव जी का कि माँ को छोड़कर मौसी की चिंता नहीं होनी चाहिए। आज जजपा की स्थिति जो है, वो जजपा की स्थिति में जो जजपा के प्रवक्ता इतना जोर लगा रहे थे
कि इतनी कमियां गिनवाकर चौधरी बीरेंद्र सिंह जी की, कि भाजपा के जो आज एट प्रेजेंट नेता हैं वो भाजपा उन पे एक्शन ले, मगर अपने ऊपर वो कोई बात नहीं करना चाहते थे। कोई भी एसआईटी हो, शराब घोटाले को लेकर एसआईटी गठित हुई, उसके बाद धान घोटाले को लेकर एसआईटी गठित हुई, उसके बाद कोरोना काल में रजिस्ट्रियां हो गई, शराब की फैक्ट्रियां चलती रही, कैसे ट्रक के ट्रक निकलते रहे जब सब कुछ, सारी फैक्ट्रियां बंद थी, सब कुछ बंद था, कैसे वहां पे वो तो कैसे ट्रक निकलते रहे, उसके बाद ठेकों में शराब क्यों बिक रही थी, गोदाम के गोदाम खाली हो गए, ठीक है, ये सब बातें जो है, ये सब बातें कुछ प्रूफ है। अरे आप मेरे को बोलने दीजिए, उसके बाद बात, उसके बाद बात करना, आप पहले मेरे को खत्म करने दीजिए। तो देखिए, भ्रष्टाचार के सबसे पहले आरोप जो लगाए गए वो इन्हीं के पार्टी के नेता थे, नेता हैं इन्हीं की पार्टी के, उनका नाम है राम कुमार गौतम, जिन्होंने सबसे पहले इनको खोपर की संज्ञा देने का काम किया और सारा हरियाणा जिम 9 के 9 महकमे जिम किया और बहुत कुछ जो है वो इन्हीं की पार्टी के जो जजपा के विधायक है उन्होंने शुरुआत की थी सारा कुछ बोलने की। तो उसके बाद आम चर्चाएं जो है उनमें जो बातें हैं वो भी है कि बिना सुविधा शुल्क के तो कोई काम होता नहीं, और जिसका सुविधा शुल्क ज्यादा है वो इन्हीं के नेताओं के बारे में, जो इनके महकमे हैं, उनके जुड़े हुए जो महकमे हैं उनके बारे में आजकल ऐसी चर्चा आम है कि जो जिस तरीके का आज माहौल है प्रदेश के अंदर। तो देखिए, अब भाजपा के नेता है और जज क्या जजपा पे इल्जाम लगाया गया है, तो सवाल जवाब तो निश्चित तौर के ऊपर या तो चौहान साहब को देना पड़ेगा या फिर जजपा के नेता को देना पड़ेगा। हमने तो इसमें अभी कुछ बोला नहीं है, ठीक है, हाल ही में जो ताजा बयान आए वो चौधरी बीरेंद्र सिंह जी की तरफ से आए हैं। उसके बाद लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो विप्लव देव जी ने केवल ये बयान नहीं दिया था, ये भी बयान दिया था उन्होंने वीरेंद्र सिंह जी के पक्ष में, उनकी धर्मपत्नी के पक्ष में, कि उच्चाणा विधानसभा सीट भी मेरी दीदी लड़ेंगी। तो उसके बाद एक रिटेलिएशन ये कहा कि इस बार दीदी को जिताना है, यहाँ से जिताना, जनता से अपील की गई कि इस बार इन्हें जिताना है, प्रेमलता को जिताना है, ये कहा। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, ये बिल्कुल ये यही बयान था और बयान भी बड़ा स्पष्ट था। उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष जजपा, उसके बाद दुष्यंत चौटाला, उसके बाद दिग्विजय चौटाला, हैसियत तक पूछी गई विप्लव देव जी की, जिस पे भाजपा के प्रवक्ता को प्रतिक्रिया देनी चाहिए, पेट में दर्द और वहम जैसी निकालने वाली बातें भी कही गई और बहुत से अन्य बयान जो है आपसी इनके आपस में नेताओं के हुए। लेकिन आज जजपा की स्थिति बड़ी दिलचस्प है, भाजपा के प्रवक्ता ने बड़ा क्लियर कहा कि जरूरी नहीं है कि इनके साथ प्री पोल अलायंस होगा, भले ही अपने आप को बार बार जोर डाल रहे हैं लेकिन बातों ही बातों में इन्होंने कहा ऐसा हो भी सकता है और ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि ना हो। बिल्कुल, लेकिन आज जिस तरीके से अपने आप को ये थोप रहे हैं भाजपा के ऊपर कि आप हमारे फेवर में डिसीजन लीजिए, हमें कंसीडर, मौसी को कंसीडर कीजिए, माँ को मत कीजिए, तो देखिए जो बयान, अब मैं आपकी जो आपका मेन प्रश्न था उस पर आता हूँ। मूल प्रश्न ये था कि अगर जजपा के साथ जो कि नुकसान करेगी, कोई फायदा नहीं, क्योंकि पहले भी एक दूसरे के खिलाफ ही वोट मांगे हैं इन्होंने, तो अगर नुकसान ही करेगी तो आप अपना एक बड़ा कद्दावर नेता, और उन्होंने कहा अकेला मैं नहीं हूँ, राव इंद्रजीत जी का भी नाम लिया उन्होंने, कृष्ण पवार जी का भी नाम लिया और अन्य कांग्रेस के और इनेलो के नेता, चाहे बलवंत सिंह हो, बड़े नेता जो उन्होंने कहा, और पार्टियों से नेता जो जुड़ गए तो बीजेपी की ऐसी थोड़ी ताकत बनी थी, उसके अलावा आप बीजेपी भी अकेली सक्षम नहीं थी। तो चलो मैं मानता हूँ आज वो भाजपा की तरफ से है, चाहे कुलदीप बिश्नोई को ले लीजिए, चाहे मिडा जी को ले लीजिए, चाहे 10 साल हमारी पार्टी से एमएलए रहे, लेकिन हाँ उन्होंने ये भी कहा कि अन्य पार्टी के जो नेता थे उन्होंने आके भाजपा को मजबूत किया, और वो भी नहीं भूलना चाहिए भाजपा जी, को। और विप्लव देव जी ने बड़ा क्लियर, मैं खत्म कर रहा हूँ 10 सेकंड और, विप्लव देव जी ने ये बड़ा क्लियर कहा था कि फ्री में समर्थन नहीं दे रखा, 11-11 बलाईदार महकमे ले रखे हैं और कोई ऐसा कोई एहसान नहीं कर रखा, मतलब बहुत बड़ा। तो अब ये भाजपा के ऊपर है, भाजपा बड़ा क्लियर है उनका कि अगर जजपा से रखोगे तो मैं नहीं, बस एक ही कंडीशन है, वरना मैं भाजपा में ही, उनका जो है बयान बड़ा क्लियर है। तो ये बात तो आज जो स्थिति में देख रहा हूँ, जो वो एक कहावत है, मैं चलो
किसी को ऐसी बातें अवॉइड ही करता हूँ बोलना, वो मैं बोलूंगा भी नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन आज जो जजपा की स्थिति है वो ये है, किसी तरह आप जो है वो चौधरी बीरेंद्र सिंह को पार्टी से की पार्टी उन पर एक्शन ले, और यहाँ तो जजपा भाजपा के प्रवक्ता है। आपकी बात का सार ये है कि पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, और जेजेपी चाहती है कि कैसे भी करके बीजेपी उन पर एक्शन ले, या फिर वो कैसे भी करके बाहर का रास्ता खुद ही देख ले, बीजेपी से किनारा कर ले। दमदमा जी आप आएंगे, आपके पास चौहान साहब आप भी कहिएगा जो भी आपको कहना है, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी को भी चर्चा में जोड़ लूं। इससे पहले बेनीवाल जी, अशोक तंवर का भी बयान आया है कि वो चाहे तो संपर्क कर सकते हैं, क्या ऐसा भी है कि आम आदमी पार्टी से भी कोई संपर्क किया गया हो? जब बीजेपी पर वो दबाव बना रहे हैं तो क्या आम आदमी पार्टी को भी एक विकल्प लेकर चल रहे हो, या आम आदमी पार्टी की ओर से उनसे संपर्क किया गया हो? नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज देखिए ज्योति जी, देश सेवा में कोई भी साथी ईमानदारी के साथ जो आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं उनके साथ मिलकर चलना चाहे, आना चाहे, सबका स्वागत है। वीरेंद्र सिंह जी अगर सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ मेरी विचारधारा मेल खाती है और मुझे देश की सेवा करने के लिए आज आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चलना चाहिए, तो उनका स्वागत है। वो जरूर हमारी पार्टी के आलाकमान साथियों के साथ, अरविंद जी के साथ बैठक करें, बातचीत करें, और जरूर उसकी बातों के बारे में आलाकमान सोचेंगे और आगे के जो निर्णय होंगे वो होंगे। लेकिन इसके लिए पहले वीरेंद्र सिंह जी को सोचना होगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ किस तरीके से उनको आना है। वो अपना संपर्क साध सकते हैं, क्यों नहीं, हमारे तो दरवाजे खुले हैं अगर वीरेंद्र सिंह जी चाहें तो। वीरेंद्र सिंह जी ने जो अपनी मेरी आवाज़ सुनो एक प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम में शायद इसलिए मेरी आवाज़ सुनो टाइटल था, शायद भाजपा के लोग या भाजपा की सरकार उनको नजरअंदाज कर रही थी, उनको सुन नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने बहुत मजबूत तरीके से वहां पर खड़े होकर के अपनी बातों को बताया जनता के सामने कि मेरी आवाज़ सुनो। वो जनता को भी सुना रहे थे, साथ साथ में भाजपा और जजपा को भी सुना रहे थे, दोनों गठबंधन जो आज सरकार हरियाणा में चला रहे हैं इन दोनों को सुनाया जा रहा था। उन्होंने जिक्र किया व्यवस्था परिवर्तन का, तो व्यवस्था परिवर्तन शब्द जो है अरविंद केजरीवाल जी लेकर के आए थे कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति की व्यवस्था को बदलने आए हैं। नहीं, व्यवस्था तो आज सारे तो कोई क्या है इसमें, सभी के सभी राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, सारे के सारे आजकल अरविंद केजरीवाल जी को अनुसरण कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि सबको शिक्षा का समान अधिकार मिलना चाहिए, दिल्ली में पढ़ने वाले को अलग ना हो, हरियाणा में पढ़ने वाले को अलग ना हो, गांव में पढ़ने वाले, देहात में पढ़ने वाले बच्चे को अलग शिक्षा पद्धति ना मिले, ऐसे ही उन्होंने शिक्षा पद्धति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसानों के जब 750 किसान शहादत दे रहे थे, मैं किसानों के साथ खड़ा था भाई, मैं यूं खड़ा था ताकि मैं गांवों में चला जाऊं, गांव के लोग मेरे से, मैं उनसे मुंह ना छिपा पाऊं। तो उन्होंने भाजपा और जजपा के बारे में यह भी कहा था कि अकेला भाजपा का मैं नेता था जो किसानों के साथ भी खड़ा था और अपने देश की बेटियों के साथ भी खड़ा था, ताकि उन्होंने वहां भी नकारा कि भाजपा मेरे साथ नहीं थी और उस टाइम पे मैं भाजपा के अगेंस्ट था। साफ साफ उन्होंने भाजपा तो पर दबाव बनाने की जो भाषण उन्होंने दिया है, उनकी विचारधारा, उनके भाव आपकी पार्टी से मेल खा रहे हैं? बिल्कुल मेल खा रहे हैं। वो आज अच्छा। किसानों के उत्थान की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पहला ही शब्द था, 76 साल के बाद भी अगर देश का किसान कमेरा वर्ग गरीब और गरीब होता जा रहा है तो ये देश का दुर्भाग्य है। ये उनका पहला शब्द था। मैं चाहता हूं कि बोला कि देश का जो किसान है उसके जो आय है उसकी डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। क्यों? उन्होंने मोदी जी का जो बयान है कि भाई मैं 2000 रुपए हर 4 महीने में दूंगा, 6000 रुपए सालाना दूंगा, उन्होंने ये भी कहा कि हमें खैरात में नहीं चाहिए, भीख शब्द का शब्द भी यूज किया उन्होंने। यानी कि मोदी जी की जो एक प्रथा चल रही है कि किसानों को 2000 रुपए हर 4 महीने में देंगे, वो भी उनको गवारा नहीं थी। वो चाहते हैं कि किसानों की आय को दुगना करें, चार गुना करें, किसान अपने आप सारी सब्सिडी अपने आप ले लेगा। चुनाव आते आते ही क्यों याद आया उनको? वो अभी थोड़ी कहेंगे कि उचाना उचाना को लेकर पीड़ा है। मैं उसी बात पर आ रहा हूं, तो निकालेंगे। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, वीरेंद्र सिंह जी को इस बात का जवाब भी देना चाहिए जब वो किसानों के साथ खड़े थे, 750 किसान शहादत दे रहे थे या बेटियां हमारी जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, तो क्यों वो मलाई बीजेपी जजपा के साथ बैठ के खा रहे थे? क्यों उनका बेटा आज भी हिसार से सांसद भाजपा का है? क्यों नहीं उसी टाइम पे उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया, उसी टाइम पे बोल देते मैं किसानों के साथ हूं? आज वो किसानों के इतने बड़े बातें कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं, जो मुद्दे उठाए वो तो हमारी पार्टी के भी मुद्दे हैं। बिल्कुल। दूसरा ये कि जब ये तमाम चीजें आंदोलन हुए या फिर महिला पहलवानों ने आवाज उठाई तो बीजेपी के साथ क्यों रहे? इनफैक्ट उनका बेटा तो अब भी सांसद के, वही मैं कह रहा हूँ, अभी छोड़ देना चाहिए तब भाजपा का साथ इनको। आज किसान हितैषी होने की बात करते हैं। दमदमा जी कुछ कहना चाह रहे थे साथ ही। दमदमा जी, दिग्विजय ने जो कहा उसको लेकर कहा है कि हाँ सबूत है मेरे पास, बल्कि बीजेपी भी साथ देगी, बीजेपी को भी मैंने शिकायत की है करप्शन या रिश्वत से जुड़े मामलों को लेकर, बीजेपी के
हर आमजन बोलता है कि रिश्वत रिश्वत का जो खेल खेला जा रहा है वो केवल आपकी पार्टी की ओर से खेला जा रहा है। इस प्रकार से कहीं भी कोई बात नहीं, जिनको घोटाले का बात दिया था ना दिया था वो कहीं अनियमितता पाई गई थी तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई, जो जांच है वो प्रक्रिया है। जिस प्रकार से पुलिस कस्टडी की बात की और बातें की है, तहसीलदार रजिस्ट्री की बात की है, सस्पेंड करना, उनपे कार्रवाई करना, हर तरफ से पूरी तरह से चली है। जिस प्रकार से भी वीरेंद्र सिंह जी की बात की ये कर रहे थे कि मैं किसानों के साथ खड़ा था, उसी प्रस्ताव पे उसी बिल के ऊपर इनके सांसद पुत्र का समर्थन था उनके ऊपर, जिनके ऊपर इन्होंने खड़े होकर माननीय मोदी जी की नीति को कहते हैं कि 2000 की खैरात नहीं चाहिए और उसके लिखने के लिए जो खैरात जो संज्ञा दी है उस पर इनके बेटे के हस्ताक्षर है उस प्रस्ताव के ऊपर पास करने में। इस प्रकार का इन्होंने जो जो यहाँ पे बातें कही, चाहे कांग्रेस से उनका प्यार था, चाहे वो जो जो बातें यहाँ कही, विप्लव देव की अभी मेरे रजत भाई एक बात लेकर आए थे उसको तभी मीडिया के अंदर जनता ने क्लियर कहा था कि ये बात सारी वीरेंद्र सिंह के मार्फत थी। विप्लव देव जी प्रभारी थे, प्रभारी के तौर पर जब संगठन का वो काम देखते हैं, मैं पहले भी एक बात कह चुका हूँ कि जब हमारी करनाल में बैठक होती है और करनाल विधानसभा की बात होती है तो पार्टी कार्यकर्ताओं में पूरी तरह से हम क्या हर दल की बात होती है कि वहां पर मजबूती से चुनाव लड़ने की बात की जाती है। क्या विप्लव देव जी उचाणा में जाके, क्योंकि विप्लव देव जी सरकार का पार्ट नहीं है, वो संगठन का पार्ट है, वो संगठन के तौर पर भारतीय जनता तो पार्टी संगठन ही तय करेगा ना, संगठन तय करेगा किसको टिकट देनी है। नहीं, प्रभारी मैं देखिए बीजेपी चूंकि अनुशासन और संगठन की पार्टी है, प्रभारी बीजेपी में बहुत मजबूत होते हैं। ज्योति जी पार्टी हाईकमान और हरियाणा इकाई के बीच एक सेतु का काम करते हैं। ज्योति जी प्रभारी का काम है प्रदेश की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व तक लेकर जाना, फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है। क्या वो वहां पर जो 2000 पन्ना प्रमुख या जो भी साथी थे, 2000 4000 3000 जो भी थे, क्या उनके अंदर बैठकर कहते कि भाइयों सीट तो हमारे पास आएंगी नहीं पर जो भी आएगा आप चुनाव लड़ो। संगठन को मजबूत खुद चुनाव लड़ने के लिए सभी पार्टियां करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और अभी आम आदमी से मेरे भाई बड़ा जोर शोर से हर चीज का व्याख्यान कर रहे थे कि देश की तरक्की की, अरे आधे से ज्यादा तो आपके जेल के अंदर आना जाना लगा रहता है, जेल के अंदर 5 स्टार की सुविधाएं ले रही है, वो देशभक्ति की लड़ाई के अंदर बैठे हैं ज्यादातर लोग, क्या किस चीज के लिए आप इस चीज के लिए कानून व्यवस्था साबित नहीं हुई है। एक एफआईआर दर्ज दिखा दो। अरे एक एफआईआर दर्ज दिखा दो, कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में चल रहे हैं। आप एक एफआईआर दिखा दो, एक चार्जशीट दिखा दो, आपके नेताओं पे क्या क्या चल रहा है सब पता है। वीरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं अपने बारे में, क्या कह रहे हैं वीरेंद्र सिंह अपने बारे में, किसानों के हितेशियों के आप लोग, अगर किसानों के हितेशियों तो छोड़ दो बीजेपी का साथ, छोड़ दो बीजेपी का साथ। 750 किसान जब साधन दे रहे थे, बेटियां जब धरने पे बैठी थी, किस लिए इनके साथ दे रहे थे, मलाई खाने के लिए, जब तो मलाई अच्छी लग रही थी, जब तो लग रहा था बीजेपी बहुत बढ़िया पार्टी है, जब बेटियां अच्छी नहीं लग रही थी, जब किसान अच्छे नहीं लग रहे थे, जब कह रहे थे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देंगे, क्यों नहीं स्वामीनाथन रिपोर्ट अभी अच्छी लग रही। इसमें ऐसा क्या है ज्योति जी, मेरी बात कंप्लीट करके दमदमा जी आप जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। दमदमा जी आप अपनी बात को जल्दी पूरा करें। ना तो वो जंग आजादी में गए, जेल के अंदर बैठे हैं, और एक व्यक्ति के आरोप लगाने पे इतना हो हल्ला किस बात का, भारतीय जनता पार्टी का मामला है। हम ईमानदारी से जो गठबंधन है, जो एक परंपरा है, उसके तहत एनडीए का पार्ट होने के नाते पूरी मर्यादा से और ईमानदारी से गठबंधन हम निभा रहे हैं। उसके बाद आज की स्थिति में हम एनडीए का, चलिए बजरंग जी भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, जॉन साहब मुझे ध्यान है आपको काउंटर में कुछ कहना है। बजरंग दास जी पहले ही कांग्रेस में जहां इतनी गुटबाजी है, जब आप ये कहें कि अगर वो आना चाहें तो आ जाएं, तो आपको लगता है कि हुड्डा साहब के साथ मिलकर चल पाएंगे, क्योंकि पहले परिस्थितियां क्या थी वो सबके सामने है। देखिए कोई मारे गुटबंदी नहीं है, जितनी गुटबंदी हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है किसी छानी नहीं है। इनका अरविंद शर्मा जो सांसद तक खुलेआम बोलता है और मुख्यमंत्री स्टेज के ऊपर करनाल में कहा कि खट्टर साहब ने लंबा राज कर लिया, अब तो ये ब्राह्मण की बारी है, ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इनके एक आदमी है, दुनिया भर के साथी है, राम कुमार गौतम देव जी भी देख लो, बरवाला विधायक देख लो, अपने नरवाना विधायक देख लो, साहब का विधायक देख लो, खुले मलाई खाने के आरोप लगा रहे हैं, महकमे बांटने के आरोप लगा रहे हैं, आपके सामने ही है। और ये वीरेंद्र सिंह ने क्या कहा,
वीरेंद्र सिंह की जो बात आपके सामने है, वीरेंद्र सिंह ने जो खुले आरोप इस बात के लगाए हैं भाई, ये मलाई खाने का समझौता हो रहा है, और समझौता क्या है? जहां तक कि इन्होंने कहा भी कि एक प्रूफ बता दे, हरियाणा न्यूज चैनल के ऊपर खुलेआम दिखाया था शराब के गोदाम के अंदर, एल1 के अंदर सारी शराब की पेटियां, सैकड़ों ट्रक बिना टैक्स एक्साइज ड्यूटी दिए सारे निकाल कर बेच दी, और वो पूरे गोदाम के गोदाम खाली 6 इंच ऊपर उठा के आपके कैमरामैन की दिलेरी दिखा मानता हूं मैं, उन्हें थोड़ा सेटअप पूरा सारा कैमरा दिखाया, हरियाणा न्यूज पे 7 दिन तक हुआ डिबेट चली है और आज तक उस पर कार्रवाई नहीं। मैं पूछता हूँ सैकड़ों ट्रक वहां के निकाल दिए गए, रास्ते में RTA भी खड़ा है, रास्ते में साइड वाले भी खड़े हैं, पुलिस भी खड़ी है, भाई कैसे निकल गए, किसके इशारे में निकल गए? फिर कहते हम साफ हैं, हम कार्रवाई करेंगे, किसके कार्रवाई करोगे? आज तक उसकी ना तो शराब की वसूली हुई है, ना टैक्स की वसूली हुई है, पुलिस कस्टडी के अंदर जो शराब करोड़ों रुपए बिकी आज तक उसकी रिकवरी नहीं है, आप किसको पकड़ोगे? 3 साल बाद रिकवरी होती है माल की, सबको पता है, और जहां तक कि चौधरी वीरेंद्र सिंह उसको भी पता लग चुका है इस समझौते की, जमीन हरियाणा में खिसक चुकी है, वो भी रास्ता देख रहे हैं, हकीकत बात यह है वो भी बहाना ढूंढ रहे हैं पार्टी छोड़ने का, कल ये आरोप ना लगे कि मैं भाई देखा भी हालात खराब थे जब छोड़ गया, वो यही चाहते हैं कि मैं छोड़ के जाऊं ये आरोप ना लगे मैंने छोड़ दी, हकीकत में उससे मुक्ति चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। जी बजरंग जी, पता लग गया हरियाणा के अंदर आगामी आप में से फोन किसका साइलेंट नहीं है, प्लीज आप फोन साइलेंट करने वाली है, मैं बार बार कह रही हूँ फोन साइलेंट कर दें, बजरंग जी आपका ही फोन साइलेंट नहीं है, मेरा साइलेंट है मैडम जी, ठीक है सभी अपना फोन देख लें एक बार। चौहान साहब ये वीरेंद्र सिंह की ओर से जहाँ ठीक है सर, कहता हूँ हरियाणा भारी बहुमत से सरकार बनेगी, बीजेपी को सुझाव ही दिया गया है कि अगर सत्ता में आना है तो बीजेपी को तो छोड़ना ही होगा, दूसरा आज मैं उनकी बाइट सुन रही थी जिसमें कहा गया कि वो करप्शन को लेकर बीजेपी हाईकमान को भी शिकायत दे चुके हैं कि बीजेपी घोटाले कर रहे हैं। देखिए जहां तक बजरंग दास जी गर्ग के मन में लड्डू फूट रहे हैं सरकार बनने के, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि ये अपने सारे घमंडिया अलायंस के पार्टनर्स के साथ, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल को भी ये साथ में ले ले जो इनके साथ चिपकने के लिए लालायित है, तो भी न तो ये केंद्र में सरकार बनाने के आसपास फटक पाएंगे और न ही हरियाणा की जनता का इनको विश्वास अर्जित होगा। रही बात चौधरी वीरेंद्र सिंह की रैली, उनके बयानों की, तो बहुत सारी बातें मैंने उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि गठबंधन होगा तो मैं अलग हो जाऊंगा, उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है, वो राय हरियाणा भर ने सुनी, देश भर ने सुनी, पार्टी संगठन ने भी सुनी, जहां उस बिंदु पर विचार होगा वहां उनकी राय को भी विचाराधीन लिया जाएगा, उसको भी उसका भी संज्ञान लिया जाएगा, परंतु एक बात का संज्ञान सब लोग ले लें, बजरंग दास जी भी ले लें, आम आदमी पार्टी वाले जो बाहें पसार के चौधरी वीरेंद्र सिंह के भाजपा से निकल के इनके यहां जाने के इंतजार कर रहे हैं ये भी ले लें, इंडियन नेशनल लोकदल वालों के यहां भी लड्डू फूट रहे होंगे क्योंकि इनकी रैली में वो चले जाया करते हैं जननायक चौधरी देवीलाल जी के सम्मान में, इन सबके मनों के लड्डू जो हैं वो फूट फटाकर बिखर बिखर कर जाएंगे, इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ज्योति जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने गठबंधन पर अपनी राय कड़ाई से व्यक्त की, उन्होंने किसानों से जुड़े या दूसरे भी कुछ सवाल उठाए होंगे, लेकिन एज सच भारतीय जनता पार्टी से कोई बड़ी नाराजगी उन्होंने अभिव्यक्त नहीं की। चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में अगर नहीं होते तो कल ही नहीं होते, चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में हैं, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में हैं उन्हें ये अधिकार है कि वे भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को अगर उनको कहीं कोई गड़बड़ी दिखाई देती है उसकी शिकायत करें। लेकिन मैं स्पष्टता के साथ एक बात कहना चाहता हूं, चाहे आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगाएं, चाहे आरोप अभय सिंह चौटाला लगाएं या चौधरी वीरेंद्र सिंह भी लगाएं, किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति को
जब वो कोई आरोप लगाता है या लगाते हैं तो उन्हें तथ्यों के साथ प्रमाणों के साथ आना चाहिए और वो सही जगह पर पहुंचाने चाहिए। मैंने जो सवाल पूछा आप जो सही जगह की बात कह रहे हैं बीजेपी वो ये कह रहे हैं कि मैंने बीजेपी हाईकमान को भी कहा है करप्शन को लेकर मैंने शिकायत दी है प्लस जो अदालत की बात कर रहे हैं दिग्विजय उस पर वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी भी मदद करेगी एविडेंस में। मैं तो ये कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी कोई भी भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ता है भ्रष्टाचार करता है वो कोई भी हो हमारा गठबंधन सहयोगी हो हमारा ही कोई कार्यकर्ता अगर कहीं फिसलता है हम किसी का भी भ्रष्टाचार सहन करने के लिए तैयार न थे न हैं। मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। गलती करने वाला कितना भी बड़ा खब्बी खान तीस मार खान तुर्रम खान क्यों ना हो वो अधिकारी हो कर्मचारी हो राजनेता हो वो किस दल का है इस बात की चिंता किए बिना हमने हमेशा दोषियों को दंडित करने की दिशा में कदम उठाया है। ठीक है अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास कोई क्रेडिबल एविडेंस है उन्होंने अगर हमारे आलाकमान को कुछ दिया है तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार उसको इग्नोर थोड़े ही करेगी उसका संज्ञान लेगी उसकी कहीं जांच की आवश्यकता होगी तो वो जांच भी करेगी। मैं केवल ये कह रहा हूं कि जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं उनके बयानों की क्रेडिबिलिटी तो देख लीजिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनकी पार्टी यानी बजरंग दास जी यहाँ उनके नुमाइंदे बैठे आपकी पार्टी के ही आपकी पार्टी के नेता लगा रहे हैं तो क्या वीरेंद्र सिंह भी आई बाई बोल रहे हैं फिर आप मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ जो कुछ कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि प्रतिपक्षी आई बाई बोलते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आपने मैंने हमने सबने दो बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कहते सुना है कि जब तक बीजेपी आई है एक ईंट को नहीं लागी हरियाणा में। अब कोई बिल्कुल जिसको जो देखने में असमर्थ हो सुनने में असमर्थ हो समझने में असमर्थ हो ऐसा व्यक्ति भी कहेगा कि ये बयान तो आई बाई है। ठीक है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं 5 लाख लोगों की पेंशन कट गई कोई अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी इस आंकड़े को कहेगा कि इसमें तो कहीं जान ही नहीं है 5 लाख का आधा उसका भी आधा उससे भी आधे लोगों की पेंशन वो कटी नहीं उससे ज्यादा की बन गई। तो आई बाई बोलने वालों को मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस किसी के खिलाफ है चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो मैं तो ये कहता हूं कि इनके पास अगर मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कुछ कहने के लिए है तो उनके खिलाफ भी कोई एविडेंस लेकर के आ जाइए क्योंकि है नहीं केवल ठीक है चौहान जी आप ये कह रहे हैं कि एविडेंस अगर है तो लेकर आए ठीक है सर आपकी बात आ गई है पंजीटा जी ये बार बार जो ये बहुत पहली बार और ठीक है सर समय कम है आपने अपनी बात कह ली है पूरी विस्तार से कह ली है। बजरंग जी अभी आप सुनिए सर अभी आप सुनिए सर पंजीटा जी बिल्कुल पहली बार नहीं है जब जेजेपी को लेकर या दुष्यंत चौटाला को लेकर गठबंधन को लेकर कुछ कहा गया हो वीरेंद्र सिंह की ओर से तो ये जेजेपी को लगता है कि उचाना को लेकर ही पीड़ा है कि अगर गठबंधन रहा तो उचाना सीट उनके हिस्से आएगी या फिर नहीं हिसार सीट को लेकर क्या स्थिति होगी तो जेजेपी मानती है केवल इसी बात का फोबिया के उनमें उनके परिवार में। बिल्कुल आपने ज्योति जी जो बात कही है ये अकेला उचाना पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये पूरा तो हिसार लोकसभा में जितनी भी सीट आती हैं अगर वीरेंद्र सिंह जी पार्टी छोड़ते हैं तो हिसार लोकसभा पूरी के ऊपर फर्क पड़ेगा। जींद तो डिस्ट्रिक्ट में पूरी साफ है उसके बाद बीजेपी ये कंफर्म है आज की एट प्रेजेंट स्थिति भी यही है उनको भी पता है अंदर से आज जींद डिस्ट्रिक्ट पूरी साफ है हिसार डिस्ट्रिक्ट पूरी साफ है और हिसार लोकसभा पूरी के ऊपर कोई कमाल नहीं कर पाए थे जी जींद में क्या कमाल कर गए बीजेपी के लिए नहीं जींद में तो उनकी पत्नी भी उचाना जो उनका गढ़ है जो घर कहते हैं वो सबसे बड़े मार्जिन से हार मिली उन्हें इस ये वीरेंद्र सिंह जी के जो मैंने जींद का अभी ना आज ही वो बीजेपी में है आज की मैं यथास्थिति बता रहा हूँ अगर वो वैसे रहते भी है बीजेपी में ये उनके लिए उनके संदर्भ में बात नहीं थी मैं एक वैसे बात आपको बता रहा था जो भाजपा की आज हालत है वो उनको एहसास है वीरेंद्र सिंह जी को भी कि भाजपा भी बिल्कुल जो है अब एंटी इनकम्पेंसी पूरी चरम सीमा पर है वो
वो इफेक्ट नहीं है। हाँ, उनके जाने से भाजपा को और ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि पहले नैया डूबी हुई है तो बिल्कुल ही साफ हो जाएगा काम, थोड़ा बहुत अगर उनकी तरफ से बचता है। लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आपने बाइट चलाई पहले, उसमें कांग्रेस के जो प्रवक्ता आज बोल रहे हैं स्वागत है, और समय अगर बचा तो आपके पास प्रदेश अध्यक्ष है जो वो बोल रहे हैं उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लालची जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। बड़ी हैरानगी की बात है अनुराग डांडा का आज का बयान क्या है, बाकी कोई पार्टी उन्हें लेना नहीं चाह रही, वो हम भी लेना नहीं चाह रहे। यहाँ जो है आम आदमी के प्रवक्ता कह रहे हैं हम खुले दिल से स्वागत भी करते हैं, साथ साथ उन्होंने कहीं प्रश्न चिन्ह भी खड़े कर दिए। तो अजीब प्रवक्ता तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे स्क्रिप्ट इन्होंने लिख कर दी हो आम आदमी पार्टी ने, कि हाँ ये तो हमारे मुद्दे हैं, हमारे मुद्दों को ही मंच से बोला के वीरेंद्र सिंह ने। किसने कहा कि सिर्फ आम आदमी किसानों का मुद्दा मैं जरूर मानता आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, अगर इनमें से किसी भी एक नेता में इतनी हिम्मत होती या एमपी में या कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देता तो मैं जरूर मानता कि हाँ फला फला जो है वो सिर्फ केवल बयानबाजी अच्छी नहीं बोलते, शब्दों का इस्तेमाल अच्छा नहीं करते, कुछ करने का गुर्दा भी रखते हैं, कुछ करने की हिम्मत भी रखते हैं। ताऊ देवीलाल जी होते तो इस्तीफा जरूर दे देते, पद से भी ठोकर मार देते अपने, तो इस्तीफा दिया अभय सिंह चौटाला जी ने, अगर हिम्मत थी तो करते। आज के डेट में अगर आप बताइए इनका कौन सा ऐसा नेता है, मीठे शब्दों का इस्तेमाल और शब्दों की कलाबाजी और कलाकारी से परे हटकर अगर संगीन होंगे तो इश्यू के लिए सच में लड़ना चाहते हैं तो दिखाइए, आप खड़े हो अपना स्टैंड दिखाइए। और किसानों ने तो मांग भी की थी, ऐसा तो नहीं किसानों ने मांग। मैं पंकज बेनीवाल जी से आखिरी कमेंट चाहूंगी, चौहान साहब अगर समय बचा, दमदमा जी अगर समय बचा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को मैं समय दे चुकी हूं, एक व्यक्ति आखिरी कमेंट केवल एक उत्तर दे पाए बेनीवाल जी। अभी देखिए आप अपनी बात रखिए पंकज बेनीवाल जी, आखिरी कमेंट। देखिए जैसा कि डॉक्टर वीरेंद्र चौहान ने पहले वक्तव्य में कहा कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी, लेकिन वहां स्टॉप लगाया था, फुल स्टॉप, क्योंकि बात कहते हुए जबान लड़खड़ा रही थी इनकी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी, क्योंकि लागू की नहीं अभी तक, कलम टूट गई थी इनकी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करते हुए। अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करते तो 750 किसान शहादत नहीं देते, शहादत नहीं देते 750 किसान, आप पढ़ा लिखा करें, 750 किसान शहादत नहीं देते, अरे 750 किसान शहादत नहीं देते, 750 किसान शहादत ना देते। अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी तो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी होती तो 750 किसान शहादत नहीं देते। ओम प्रकाश धनखड़जी आंदोलन कमरों में घूमते थे सिलेंडर, स्वामीनाथन पर सर कितनी ही बहस हो सकती है। मैंने आखिरी कमेंट आपको विषय पर बात करने के लिए, विषय पर बात करने के लिए समय मैंने आपको दिया था। और वीरेंद्र सिंह जी है उनका 9 साल के अंदर ही भाजपा, ऐसे तो मुझे वाइंड अप करना होगा सर, ये चिल्ला चिल्ली में मैं डिबेट नहीं कर सकती आगे। चौहान साहब आखिरी कमेंट आपका, देखिए अभी पंकज बेनीवाल जी से रुकिए, ठीक है अभी सुनिए आप, दमदमा जी आप भी सुनिए, ये खुले तौर पर दबाव बनाया जा रहा बीजेपी पर, दबाव बनाया जा रहा, दबाव में आएंगे आप लोग, संक्षेप में बताइएगा। इंडियन नेशनल लोकदल, इंडियन नेशनल, देखिए भारतीय जनता पार्टी दबाव में काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी भारत और हरियाणा की जनता के हित में काम करती है, हमारे लिए व्यक्ति से बड़ा संगठन और संगठन से बड़ा देश है। इंडियन नेशनल लोकदल हास्यास्पद तरीके से ये कह रही है कि जजपा हमारे साथ चिपक रही है जबरन, अरे भाई आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही क्या? आप कल तक कांग्रेस के साथ कैसे चिपक रहे थे और कांग्रेस ने कैसे आपको दुत्कारा? खुद मियां फरीदत और उनको नसीहत बचना चाहिए पंजीटा जी ऐसी टिप्पणी करते हुए, जो आप जो न्योता देके आए, आपको मारा उन्होंने उखाड़ करके आपके न्योते को, तो अरे आपको तो वीरेंद्र सिंह का कह रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल और वीरेंद्र सिंह की बात क्या जवाब है आपका? वीरेंद्र सिंह अपने गिरेबान में झांक, चलिए मैंने आपको दबाव दबाव पे आएंगे नहीं आएंगे इसको लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने उत्तर दे दिया, दबाव में नहीं आएंगे, दबाव में नहीं आएंगे। आप लोग दमदमा जी को कुछ कहना है बहुत जल्दी 10 सेकंड में आपको दे रही हूं, अभी बात कहने के लिए 10 सेकंड में कहूंगा।
इनेलो इंडिया गठबंधन के खड़े के नीचे पास गई, एक बार भी मंच पे कोई नहीं है, ये उनके गल पड़ रहे हैं जा जा के, ना ही एनडीए के हैं ना इंडिया के हैं, और वीरेंद्र सिंह जी इनकी रैली में आते हैं। पहला प्रवक्ता देखा जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी बात बोल रहा था कि वीरेंद्र सिंह जी वहां बैठे ताकि हमारी कहीं सूत लगे। अरे भाई सारी सूत कहीं नहीं लगती, ना आप घर के ना घाट के, कहीं के नहीं रहते। आप अपनी राजनीति जिस हिसाब से देखे वो देखे, औरों की चिंता बंद करें। चलिए समय नहीं, हालांकि बजरंग जी को कुछ कहना है। बजरंग जी मुद्दा दिया, बजरंग जी बोलिए आप। सर ज्योति जी, जो वीरेंद्र जी ने एक बात कही, भाई किसी भी पार्टी का, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे किसी महासहयोगी हो, भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, 3 साल हो गए आप तो ठोक रहे हैं भीतर वाला, आपके नेता के खिलाफ कई केस चल रहे हैं, याद है ना सीबीआई के, वो कई जांच चल रही है, चिंता ना आपको मालूम है ना, ये जो याद है ना आपको, आपकी तो राष्ट्रीय, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में, राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप सभी का शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने वीरेंद्र सिंह के बयान को लेकर की, क्या अगला कदम उनका होगा, क्या दबाव बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं, और क्या बीजेपी का कदम होगा उनके इस बयान को लेकर, क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।